वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 5 ऑन इंडेक्स नंबर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडेक्स नंबर, और इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो है हमने डिस्कस किया द प्रॉब्लम ऑफ बेस ईयर, कि हाउ डू वी सेलेक्ट द बेस ईयर। उसके बाद हमने डिस्कस किया द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। उन मेथड्स में हमने अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर के मेथड को डिस्कस किया। देयर आर टू मेथड्स, अनवेटेड इंडेक्स मेथड एंड वेटेड इंडेक्स मेथड। फिर अनवेटेड इंडेक्स मेथड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अनवेटेड इंडेक्स मेथड। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे अनवेटेड मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर्स, राइट? ये तो डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक तो होता है इस, ये भी दो प्रकार के होते हैं। अनवेटेड मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। इसको हम डिस्कस कर चुके थे, इसकी हम एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर चुके थे। दूसरा इसी का अनवेटेड का दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। हमें आज यही डिस्कस करना है। इंडेक्स नंबर के दो मेथड होते हैं, अनवेटेड मेथड और दूसरा वेटेड मेथड। तो हम अभी अनवेटेड मेथड डिस्कस कर रहे थे। अनवेटेड मेथड के भी दो मेथड होते हैं। यू कैन से कि अनवेटेड मेथड को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनवेटेड इंडेक्स नंबर मेथड। पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू समेशन P1 इंटू 100 अपॉन समेशन P0, ठीक। अब इसको तो हम कर चुके थे, इसकी हमने इलस्ट्रेशन भी सॉल्व की थी। अब हम इसको डिस्कस करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में ये है कि इसमें पहले वाले में क्या करते थे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, कि जो करेंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है कमोडिटीज़ का, उसका हम टोटल करते थे, और जो बेस ईयर कह लो या प्रीवियस ईयर का जो प्राइस दिया होता था अलग अलग कमोडिटीज़ का, हम उसका टोटल करते थे। समेशन P1 क्या होता था? द सम टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द करेंट ईयर। समेशन P0 क्या होता था? द सम टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। और फिर उसको हम इन टोटल हम उसको कैलकुलेट करते थे, यानी करेंट ईयर की टोटल प्राइस विल बी डिवाइडेड बाई द टोटल प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, एंड देन वी कैन हैव द प्राइस रिलेटिव और इंडेक्स नंबर। बट इन केस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में ऐसा नहीं होगा। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में क्या होगा कि सभी कमोडिटी का आप अलग अलग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ ईच कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस गिवन इन प्रीवियस ईयर एंड प्राइस गिवन इन करेंट ईयर। कि जो करंट ईयर में प्राइस दी हुई है उसके बेसिस पर, और जो प्रीवियस ईयर की प्राइस दी हुई है किसी कमोडिटी की उसके बेसिस पर, आप उसी कमोडिटी का पहले आप प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। और जब आप सभी कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, तब उस प्राइस रिलेटिव को आप नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड कर दोगे, फिर जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी दैट विल बी द इंडेक्स नंबर फॉर द होल कमोडिटीज, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव? इसका होता है इंडेक्स नंबर P01 इक्वल्स टू समेशन P1 अपॉन P0
इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई एन, और इसको अल्टरनेटिवली इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन पी आर अपॉन एन। यहाँ पी आर किसके लिए है, यहाँ पी आर स्टैंड्स फॉर प्राइस रिलेटिव, वे आर पी आर मीन्स प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच कमोडिटी, कमोडिटी प्रोडक्ट या आइटम कुछ भी आप कह सकते हो उसे, ठीक। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कि टोटल कितनी कमोडिटीज़ की प्राइस दी हुई है, ठीक। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव के थ्रू जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ द सेकंड मेथड ऑफ अनवेटेड मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। अब हम इसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे, इस वाले की इलस्ट्रेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम इसकी एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी हैव टू यूज़ दिस मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर, राइट। चलिए अब हम इसको साफ कर देते हैं, आप इसको नोट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक इलस्ट्रेशन है, क्या है इलस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स फॉर the year 2014 taking the year 2010 as the base year from the following data, by simple average of price relative, ठीक। अब डेटा क्या दिया हुआ है वो देखिए, डेटा दिया हुआ है कमोडिटीज प्राइस इन 2010 और प्राइस जो है रुपीज़ में दिया हुआ है, एंड प्राइस इन 2014 जो भी ये भी रुपीज़ में दिया हुआ है। कमोडिटीज़ हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दीज आर दी कमोडिटीज। प्राइस दिए हुए हैं 2010 में 100, 10, 5, 4, 1, 2 एंड 3। प्राइस दिए हुए हैं 2014 में 100, 9, 4, 2, 1, 2.50
एंड 3.25. दिस इज द डेटा दैट हैज़ बीन फर्निश्ड. अब इस डेटा के बेसिस पर, इस डेटा के बेसिस पर जो है हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना. अब करते हैं इसको. अब कमोडिटीज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो n की वैल्यू तो हो गई 7. हमें करना किससे है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से. इसका मतलब है सबसे पहले हम सभी कमोडिटीज़ का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे और फिर उस प्राइस रिलेटिव को हम टोटल करेंगे और फिर उस टोटल को n से यानी कि 7 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कमोडिटीज 7 है. आई रिपीट कि सबसे पहले आप सभी कमोडिटीज़ का इंडिविजुअली आप इंडेक्स नंबर कह लो या उसे प्राइस रिलेटिव, उसका हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उनमें जो चेंजेस आए हैं वो कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली सभी कमोडिटीज़ का. उसके बाद उन प्राइस रिलेटिव को, उन चेंजेस को आप टोटल करोगे जो हो जाएगा समेशन पी आर, और फिर उस टोटल को हम 7 से डिवाइड कर देंगे. 7 कहाँ से आया, नंबर ऑफ कमोडिटीज़. कितनी कमोडिटीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो फिर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि यस दिस इज द इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. फाइन, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप जो है इसको नोट कर लेना, क्योंकि अब मैं जो है इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है ना. तो मैं इसको कर देता हूँ साफ. ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन ऑफ, लिखते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. ठीक, आप मेथड का नाम भी लिख सकते हो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. यू कैन ऑल्सो द मैथड जिसको आप यूज़ कर रहे हो वो भी लिख सकते हो. तो मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर और मैथड लिख दिया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. ठीक, अब देखिए इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं. तो सबसे पहले आप, अब इसमें ईयर का तो कोई झंझट नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स का, ईयर्स की जगह क्या लिखना है हमें, कमोडिटीज़. तो पहला कॉलम बनाइए आप कमोडिटीज़ का, ठीक. दूसरा कॉलम बनाइए आप प्राइस इन 2010. तीसरा कॉलम बनाइए प्राइस इन 2014. चौथा कॉलम बनाइए आप कैलकुलेशन. कैलकुलेशन क्या, P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये. और चौथा कॉलम बनाइए आप प्राइस रिलेटिव का, यानी PR का. ठीक, अब कमोडिटीज़ कितनी हैं, A, B, C, D, E, F एंड G. तो पहले तो यहाँ n की वैल्यू लिख दो 7. टोटल कितनी कमोडिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो n हो गया 7. अब 2010 का प्राइस कितना था वो लिखिए, 100, 10, 5, 4, 1, 2 एंड 3. 2014 में प्राइस क्या था, 100, 9, 4, 2, 1, 2.50 एंड 3.25. अब करते हैं हम कैलकुलेशन.
अब करेंगे हम कैलकुलेशन। तो इसमें क्या आया कैलकुलेशन, अब यहाँ पे हमने क्या माना है, हमें 2014 के लिए निकालना है प्राइस रिलेटिव। बेस ईयर क्या है हमारा 2010, तो ये हो गया पी जीरो, ये सारी वैल्यू, ये क्या हो गया पी जीरो और ये क्या हो गया पी वन, जिसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ पी वन, और जिसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ पी जीरो। तो 2010 हो गया पी जीरो, 2014 हो गया पी वन। अब करते हैं क्या फार्मूला है, पी वन अपॉन पी जीरो इन टू हंड्रेड, यानी हंड्रेड, ये हंड्रेड है, हंड्रेड इन टू हंड्रेड अपॉन पी जीरो की वैल्यू भी यहाँ पे हंड्रेड ही है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो 100% ही आ जाएगा। यहाँ पी वन क्या है 9 इन टू हंड्रेड अपॉन पी जीरो क्या है 10, तो ये आ जाएगा 90। अब यहाँ पी वन कितना है 4, यानी कि कमोडिटी सी के लिए पी वन क्या है 4, 4 इन टू हंड्रेड अपॉन पी जीरो क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 80%। यहाँ पर पी वन क्या है 2 इन टू हंड्रेड अपॉन पी जीरो क्या है 4, तो ये आ जाएगा 50%। फिर यहाँ पी वन क्या है 1 इन टू हंड्रेड अपॉन यहाँ 1, तो 100% ही आएगा ये। तो यहाँ पी वन क्या है 2.50 इन टू हंड्रेड अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 125। और ये कितना है पी वन 3.25 इन टू हंड्रेड अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 108.33। ये आ गए आपके, यानी कि ये हमने जो है प्राइस रिलेटिव इंडिविजुअल सभी कमोडिटीज़ के कैलकुलेट कर लिए, यानी एक कमोडिटी का प्राइस 2014 में 2010 के मुकाबले कोई चेंज नहीं हुआ है। जो प्राइस एक कमोडिटी की 2010 में थी वही आज जो है 2014 में, सो देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए इफ़ वी कंपेयर इट विद द प्राइस ऑफ 2014 एंड 2010। बी कमोडिटी के प्राइस 2010 के मुकाबले 2014 में कम हो गई है 10% से। बी सी कमोडिटी की प्राइस 2014 में 2010 के मुकाबले 20% से कम हो गई है। डी कमोडिटी की प्राइस 50% से कम हुई है। ई कमोडिटी की प्राइस वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं है। एफ कमोडिटी की प्राइस 25% इंक्रीज़ हुई है। और जी कमोडिटी की प्राइस 8.33% से इंक्रीज़ हुई है 2014 में 2010 के कंपैरिजन में। अब क्या करना है, हमारा फार्मूला क्या है, तो मैं इसको ज़रा ऊपर साफ कर देता हूँ। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा है इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल्स टू या समेशन PR अपॉन N। अब समेशन PR क्या है, इसका टोटल करना पड़ेगा। टोटल आप करोगे तो कैसे करोगे, टोटल अगर आप इसका करोगे तो ये टोटल आएगा 653.33। इसका टोटल आएगा, इन सभी का टोटल आप करोगे तो आएगा 653.33। और n की वैल्यू क्या है 7, तो आप इसमें आप पुट कर दीजिए 600 समेशन PR की जगह लिख सकते हैं 653.33 और n की जगह लिख सकते हैं 7, तो ये आपका कुछ आएगा 93.33। तो इंडेक्स नंबर आपका आया, इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 इज 93.33, यानी कि ओवरऑल इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ओवरऑल सभी कमोडिटीज़ की प्राइस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इलस्ट्रेशन इज
कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन द ओवरऑल प्राइसिंग ऑफ द ऑल एंटायर कमोडिटीज इन 2014 इन कंपैरिजन टू 2010 इज डिक्रीज्ड. कितना, कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है? 93.33 इसका आया. इसका मतलब है 6.67% से ओवरऑल जो प्राइसिंग है सभी कमोडिटीज़ की वो डिक्रीज हुई है. ये हमारा होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में सिंपली आप सभी कमोडिटीज़ का उनका इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो, इंडिविजुअल जो चेंज आया है प्राइसिंग में वो कैलकुलेट करते हो, उसके बाद उनको आप टोटल करोगे, दैट विल बिकम समेशन PR, यानी कि टोटल ऑफ द प्राइस रिलेटिव, और फिर उसको नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड कर देते हो, और फिर ऐसा करने से जो भी वैल्यू आपको मिलती है दैट इज़ द इंडेक्स नंबर फॉर ऑल दी कमोडिटीज़. तो ये है, इसको आप एक बार गो थ्रू करना, समझना, कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो आप पूछना. अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर से हम वेटेड इंडेक्स मेथड डिस्कस करेंगे. वेटेड इंडेक्स मेथड थोड़ा सा बड़ा है, उसमें बहुत सारे और भी मेथड हैं, तो इसको समझना और कोशिश करना समझना. थैंक यू वेरी मच.